आपने कहा हमने 7.5 लाख और दे दिए, इस बात को तो आप मानेंगे? 3 दिन का कोटा उनके पास है, उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे, कम से कम भरोसा तो देते। लेकिन दिलीप जी, टीएमसी वाले कहते हैं कि आपके लोग मार रहे हैं, आप कहते हैं कि टीएमसी वाले मार रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं चुनाव तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो मानना किस बात को सही मानना है? टीएमसी कह रही है एक खास समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी डलने नहीं दे रही, ये सारा हंगामा खास समुदाय को लेकर क्यों है? मीडिया एंकर अक्सर डिबेट में बीजेपी नेता के सामने तीखे सवाल पूछना भूल ही जाते हैं, पर कुछ एंकर हैं जो बीजेपी नेताओं से सवाल कर भी लेते हैं। आज हम बात आज तक के वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना की उन डिबेट्स की करेंगे जिनमें सवाल बीजेपी के नेताओं से हुए हों। आज तक पर कोरोना वायरस के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने कोरोना के मुद्दे पर सवाल बीजेपी के नेता से किए, जिस पर वह कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते दिखे, जिसके बाद रोहित सरदाना ने नेता को टोका और सही से जवाब देने को कहा। जो देश में दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई हैं 1,65,000 के आसपास है, लेकिन महाराष्ट्र में अकेले 34% हुई। इसीलिए मैंने कहा दुर्गंध अपने तंग से अपनी सोच से आती है, लेकिन महाराष्ट्र में सबसे कांग्रेस का स्थिति है, तो महाराष्ट्र को तो सबसे ज्यादा वैक्सीन आपको खुद जाके दे देने चाहिए थे कि आपके यहाँ स्थिति सबसे ज्यादा विकट है, इसलिए सबसे पहले हमें लगता है आपके यहाँ सबसे ज्यादा कोटा होना चाहिए वैक्सीन। बिल्कुल रोहित जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और मैं आपको आंकड़ों के साथ ही बता देता हूँ। देखिए, पहली बात, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस सरकार की क्या है कि कोई वीवीआईपी कल्चर कि यहाँ पे हर जो नागरिक है वो भारत के लिए बड़ा अहम है। कहा हमारे पास 7.5 लाख डोज किया है, हम सबकी जान बचाएंगे। आपने कहा हमने 7.5 लाख और दे दी, उनका कहना है 5 लाख पर डे हम यूज करते हैं, इस बात को तो आप मानेंगे? 3 दिन का कोटा उनके पास है, उन्हें वैक्सीन नहीं दे रहे, कम से कम भरोसा तो देते कि आप 3 दिन यूज कीजिए, उसके बाद हम तैयार बैठे हैं आपके लिए, हम आपको दे रहे हैं। आज तक पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी के बड़े नेता दिलीप घोष से बात। रोहित सरदाना ने दिलीप घोष से कुछ तीखे और कुछ नरम सवाल किए। अपने सवालों में एंकर ने उनके चुनाव प्रचार के तरीके को लेकर सवाल किए, जिस पर नेता ममता बनर्जी की आलोचना करते दिखे, पर एंकर ने भी नेता को अपने सवालों में घेर लिया। लेकिन दिलीप जी, टीएमसी वाले कहते हैं कि आपके लोग मार रहे हैं, आप कहते हैं कि टीएमसी वाले मार रहे हैं, फिर आप ये भी कहते हैं कि नहीं नहीं चुनाव तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, तो मानना किस बात को सही मानना है? हिंसा हो रही है या सब कुछ ठीक ठाक है? हिंसा तो हो रही है, बिल्कुल, इसलिए कर रहा हूं, जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर कोई गड़बड़ नहीं हो रहा है, बाहर लोगों को डराया जा रहा है, धोखा जा रहा है, पर मर्डर तो हुई है, 2 केस में लगभग 8 मर्डर हुआ है। लेकिन दिलीप जी, आपको लगता नहीं कि पीएम को कम से कम ये हिंदू मुसलमान कार्ड नहीं खेलना चाहिए? ममता जी के जवाब के नाम पर ही सही, वो भी तो ले ही आए ना हिंदू मुसलमान। देखिये, बंगाल में ये तो देश का विभाजन हुआ था हिंदू मुस्लिम का, उसी समय से सांप्रदायिक राजनीति चल रही है। आप उनको सांप्रदायिक कहते रहिए, वो आपको सांप्रदायिक कहते हैं, वो कहते हैं कि आप तो जय श्री राम को चुनावी नारा बना चुके हैं, आपसे सांप्रदायिक कौन है फिर? जय श्री राम नारा एक सांस्कृतिक है, राम मंदिर आंदोलन हमारी अस्मिता की प्रतीक थी, वहाँ से नारा उपजा है। आज तक पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी के नेता द्वारा एक समुदाय को बार बार जिक्र करने को लेकर सवाल किए, पर नेता टीएमसी की ही आलोचना करते दिखे, पर एंकर ने भी उन्हें अपने तीखे सवालों में घेरा और सही से जवाब देने को कहा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ 2-4-5 छोटी-छोटी घटनाएं नंदीग्राम को छोड़कर बाकी सब जगह लोगों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ है। जो कह रहे हैं कि नंदीग्राम को छोड़ दें तो बाकी सब जगह ठीक हो रहा है, नंदीग्राम वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री तय होना है, वहीं से होगा मुख्यमंत्री अगला, ऐसा आप भी मान रहे हैं? नंदीग्राम से बैठ के ममता बनर्जी बूथ से राज्यपाल को शिकायत कर रही है कि केंद्रीय बल भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है, फिर नंदीग्राम में वर्तमान मुख्यमंत्री का पतन होना है। कैलाजी, ममता बनर्जी का आरोप है कि जिस पोलिंग बूथ पर वो गई थी वहाँ जो नारेबाजी हुई वो बंगाल के लोग थे ही नहीं, वो तो कह रही है यूपी बिहार के बाहरी लोग थे, आपको वैसे भी बाहरी कहती है? वे सेंट्रल फोर्स तो पहचानती नहीं किसी को, पर पुलिस तो पहचानती है ना, तो पकड़ती क्यों नहीं उनकी पुलिस? पुलिस तो आज भी बंगाल की वहाँ पर लगी हुई है। टीएमसी कह रही है एक खास समुदाय के लोगों का वोट बीजेपी डलने नहीं दे रही, ये सारा हंगामा खास समुदाय को लेकर क्यों है? आज तक पर बंगाल चुनाव के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बात बीजेपी के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय से की। एंकर रोहित सरदाना ने कैलाश विजयवर्गीय से बंगाल चुनाव को लेकर कुछ तीखे सवाल भी किए। जितने नेशनल चैनल्स के डिबेट है, एक नेता उस पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, क्योंकि उनको मालूम है जो प्रश्न उठने वाले हैं उसका कोई जवाब देने की स्थिति में नहीं है, सब सारे लोग भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री की स्थिति ऐसी बनी
कि एक बात समझ में नहीं आई रितेश जी, हम लोगों ने देखा रितेश जी एक सेकंड, बहुत बड़े नेता मुख्यमंत्री नहीं, नहीं रितेश जी एक बात समझ में नहीं आई, दूसरे आप कह रहे हैं कि टीवी डिबेट में नहीं आ रहे, हम लोग देखा है ये बैठे आपके पैरेलल बैठे टीएमसी की तरफ से बैठे हैं, इसके अलावा रोज टीएमसी का कोई ना कोई नेता यहाँ कार्यक्रम में मौजूद रहता है। रोहित जी मेरा कहना है जिसको तृणमूल कांग्रेस के नेता के रूप में देश और प्रदेश जानता है, एक कार्यक्रम बता दीजिए जिसमें एक भी जाना माना चेहरा आके इस सवाल को लेने के लिए तैयार हो। रितेश जी क्योंकि वो जान रहे हैं, इत्तेफाक की बात है, जहां बैठ के बात कर रहे हैं ना रितेश जी, रितेश जी जहां बैठ के बात कर रहे हैं वहां ममता बनर्जी खुद बैठ के जा चुकी है, पूरा एक सवा घंटा सवालों के जवाब देके जा चुकी हैं। हम उम्मीद करेंगे कि रोहित सरदाना आगे भी इसी ही तरह से सरकार के नेताओं से सवाल करते रहेंगे और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।